जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। इतने टेस्टी आड़ू यहाँ उगते हैं। थोड़ा जल्दी करोगे प्लीज? मोगली जरा ये खाओ, ये सबसे अच्छा है। शुक्रिया दासी। इसमें कीड़ा है। वही तो, खाली आड़ू से अच्छा है एक कीड़े वाला आड़ू। तुम्हें कैसे पता इनके अंदर कीड़े हैं? इनकी खुशबू से मुझे पता चल जाता है। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? हम लड़ने नहीं आए हैं काला, हम तो बस पीचेस खाने आए हैं। यहाँ की एक एक चीज मेरी है। आज के बाद मेरे इलाके में आने की हिम्मत मत करना। बघीरा! अरे नहीं, ओह गहरी चोट लगी है। ओ, ये चोट कैसे लग गई? दाजी तुम्हें काला याद नहीं? काला नहीं तो, काला पीला कुछ याद नहीं। बघीरा ज्यादा हिलना डुलना बंद करो वरना दर्द और बढ़ जाएगा। बलू मुझे कुछ नहीं हुआ। जितना सोचा था उससे खतरनाक है। हमें फौरन इस चोट पर काले कीड़े लगाने होंगे। काले कीड़े? हाँ, वो कोहरा घाटी में मिलते हैं। उनके काटने से थोड़ी देर के लिए अकड़ जरूर जाते हैं पर वो चोट ठीक करने का काम करते हैं। मैं उन कीड़ों को ढूंढूंगी, जल्दी चलो। हाँ, पर वो तो उस काला के इलाके के अंदर ही आता है। ओह एक मिनट, ये काला कौन है? मैं भी साथ चलूंगा। बघीरा तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम यहीं बलू के साथ रहो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। कीड़े लेने दाजी मेरे साथ जाएगी। लोग पहुंच गए कोहरा घाटी, तो चलो अभी, काला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। काला काला मुझे याद आ गया, काला तो एक खूंखार तेंदुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं। दासी मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें थोड़ा चौकन्ने रहना होगा, काला के साथ साथ ये जगह भी खतरों से भरी हुई है। दाजी समझो तो सही, मुझे कीड़े ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ पता है, वो मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी, वो जमीन के नीचे भी रहते हैं। हमें उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। हाँ वहाँ खतरा तो बहुत है पर मोगली बहादुर है और दार्जी उसके साथ है, वो काले कीड़ों को ढूंढ लेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ले आता हूँ, उससे तुम्हें राहत मिलेगी। और एक जरूरी बात, अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हें कहीं वो कीड़े दिख रहे हैं दाजी? मैं फिलहाल देख रही हूँ कहीं काला ना छुपा हो। उसकी फिक्र मत करो, काला शायद इस इलाके में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। बघीरा बघीरा सूखा पेड़, मैं ऊपर चढ़कर देखती हूँ। दासी रुको, ये सूखा पेड़ नहीं है, ये तो बड़ा भारी कैक्टस का पेड़ है। हाँ?
अगली बार कैक्टस से दूर ही रहना, समझी? कैक्टस? ये कैक्टस क्या होता है? थक गया। अरे लगता है काला है, हमें छुपना होगा। इसे उठाने में मदद करो। ये काला नहीं है डार्सी, ये तो गर्म पानी का फुहारा है। डार्सी, डार्सी! अरे मोगली, तुम यहाँ कब आए? अरे वाह, कीड़ों की खुशबू, यही आसपास कीड़े हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? झाड़ियाँ, यही तो वो कीड़े रहते हैं। अरे पर यहाँ तो है ही नहीं। उनकी खुशबू तो आ रही है पर दिख क्यों नहीं रहे? शायद उन्होंने खुद को गाड़ दिया हो। कभी कभी वो ऐसा करते हैं, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मिल गए। अब जल्दी से ना बघीरा तक ले चलते हैं। एक दो तो खाने दो मोगली। अच्छा एक नहीं, एक ही दे दो। कहीं तो मकर ना जाओ, और अभी इनकी जरूरत बघीरा को है। ओ, ये तो चीटिंग है। ये गर्म पानी की फुहार की आवाज तो शैतान काला की तरह है। किसे शैतान कहा तुमने? डार्सी, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ इंसानी बच्चे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम छुप क्यों रहे हैं भला? अच्छा तो यहाँ है मेहमान। बघीरा, तुम यहाँ क्यों आए? बघीरा तुम पहले ही जख्मी हो। इस हालत में मुझ पर वार करोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। हाँ ठीक है, पर पहले बघीरा से तो निपट लूं। अब कीड़ों से हमला करोगे? हाँ ये क्या है? ये हटाओ इन्हें, ये काट रहे हैं, बदबू भी आ रही है। बघीरा! मोगली तुम ठीक हो ना? मैं बस यही चाहता था तुम्हें कुछ नहीं। बघीरा मैंने बहुत देर कर दी। नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जल्दी से डार्जी को कहो कि सारे कीड़े इकट्ठा करें। वो जरूर यही इस पत्थर के नीचे होगी। कुछ कीड़े ढूंढ रही थी, क्या पता शायद यही मिल जाए। घाव अब भरने लगा है, कीड़ों ने अच्छा असर दिखाया। कीड़ों ने? तुमने अकेले अकेले कीड़े खाए और मुझे बताया तक नहीं।
तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा बघीरा। शुक्र है, अपनी खोपड़ी तो हिला सकता हूँ।